स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन सिर्फ तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री का बॉस नहीं बल्कि फुल इंडिया और साथ ही साथ बांग्लादेशी फैंस भी उनको बॉस मानते हैं। अल्लू अर्जुन का फैन वर्ल्ड के हर कोने कोने में छाई है। उनका स्टाइल, एक्टिंग, डांस का हर कोई पागल है। और दोस्तों, आज मैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप है बानी का फैन तो ये वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना और साथ ही साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, गंगोत्री। ये 2003 का ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है के राघवेंद्र राव ने और इसमें अल्लू अर्जुन, आदित्य अग्रवाल लीड रोल में है। इसमें सिम्हाद्री और गंगोत्री के बीच में काफी गहरा प्यार को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है गंगोत्री नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। और इसका IMDb रेटिंग रहा 4.6/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर टू, आर्या। यह 2004 रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इसमें अल्लू अर्जुन, अनु मेहता, शिवा बालाजी लीड रोल पर है। इसमें सॉफ्टवेयर कंपनी में आर्या और आजय के बीच में गीता को लेकर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा नाम से। और इसका IMDb रेटिंग रहा 7.8/10 और इसका बजट था 4 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 50 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर थ्री, बन्नी। ये 2005 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वीवी विनायक ने और इसमें अल्लू अर्जुन, गौरी मुंजा लीड रोल पर है। इसमें बन्नी अपनी शादी में दहेज डिमांड करते हैं और इसका पीछे कारण को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है बन्नी द हीरो नाम से और इसका IMDb रेटिंग रहा 5.7/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर फोर, हैप्पी। ये 2006 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है ए करुणा करण ने और इसमें अल्लू अर्जुन, जेनेलिया क्रूज लीड रोल पर है। इसमें एक पॉलिटिशियन अपनी बेटी के साथ एक पुलिस ऑफिसर की शादी कराने जाते हैं पर बन्नी आकर सब प्लान को लोपट कर देते हैं और इसका हिंदी डब्ड है दाम नाम से और इसका बजट था 16 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 18 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर फाइव, देसा मुदुरु। ये 2008 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें अल्लू अर्जुन, हंसी के मतवानी लीड रोल पर है। इसमें बाला और एक किडनैप्ड हुआ लड़की के बीच में प्यार को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है एक ज्वालामुखी नाम से और इसका IMDb रेटिंग रहा 6.7/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर सिक्स, पारुगु। ये 2008 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वशकर ने और इसमें अल्लू अर्जुन, शीला लीड रोल पर है। इसमें ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गांव के लीडर का खोए हुए बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और इसका हिंदी डब्ड है वीरता द पावर नाम से। इसका IMDb रेटिंग रहा 7/10 और इसका बजट था 10 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 30 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर सेवन, आर्या टू। ये 2009 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इसमें अल्लू अर्जुन, नवदीप और काजल अग्रवाल लीड रोल पर है। इसमें 2004 आर्या का लव स्टोरी को कंटिन्यू करके दिखाई गई है और लोगों ने इस पार्ट को काफी पसंद किया है और इसका हिंदी डब्ड है आर्या एक दीवाना नाम से और इसका IMDb रेटिंग रहा 7.3/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर एट, वरुदु। ये 2010 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है गुना शेखर ने और इसमें अल्लू अर्जुन, भानुश्री मेहरा लीड रोल पर है। इसमें संदीप ट्रेडिशनल हिंदू स्टाइल से लड़के को देखे बिना शादी करने चाहते हैं पर बाद में अचानक एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इसका हिंदी डब्ड है एक और रक्षक नाम से और इसका IMDb रेटिंग है 3.5/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर निकला। नंबर नाइन, वेदम। ये 2010 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है कृष्ण ने और इसमें अल्लू अर्जुन, मनोज मंचू, अनुष्का शेट्टी लीड रोल पर है। इसमें एक हॉस्पिटल में डिफरेंट प्लेस से आई लोगों को कैसे टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ता है वही दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है अंतिम फैसला नाम से और इसका IMDb रेटिंग है 8.1/10 और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर टेन, बद्रीनाथ। ये 2011 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वीवी विनायक ने और इसमें अल्लू अर्जुन और तमन्ना लीड रोल पर है। इसमें एक स्किल्ड वॉरियर और बद्रीनाथ टेम्पल का प्रोटेक्टर का स्टोरी को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड है संघर्ष और विजय नाम से और इसका IMDb रेटिंग रहा 4.3/10 और इसका बजट था 41 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 63 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 11, जुलाई।
यह 2012 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इसमें अल्लू अर्जुन इलियाना टी क्रूज सोनू शूट लीड रोल पर है। इसमें क्रिमिनल ग्रुप जब बैंक रॉब करते जाते हैं तब रवि इन लोगों को अगेंस्ट पे अपनी इंटेलिजेंस से फाइट करते हैं और इसका हिंदी डब है डेंजरस खिलाड़ी नाम से और इसका एमडीबी रेटिंग रहा 7.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 30 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 104 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 12 इदारम माई लथो ये 2013 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें अल्लू अर्जुन अमला पाउल और कैथरीन तेरेसा लिटिल पर है। इसमें एक म्यूजिशियन के प्यार को लेकर स्ट्रगल को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है डेंजरस खिलाड़ी 2 नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 5 और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 5.7 आउट ऑफ 10 और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज निकला। नंबर 13 रेस गुड़म ये 2014 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है सुरेंद्र रेड्डी ने और इसमें अल्लू अर्जुन और श्रुति हसन लीड रोल पर है। इसमें दोनों भाई डिफरेंट अप्रोच के हैं जिसमें एक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और दूसरा अपनी खुशी में चलते हैं और इसका हिंदी डब है मैं हूं लकी द रेसर नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 7.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 50 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 130 करोड़ और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 14 सन ऑफ सत्यमूर्ति ये 2015 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इसमें अल्लू अर्जुन समानता नीतिया मेनन अदा शर्मा लीड रोल पर है। इसमें एक रिच बिजनेसमैन की डेथ के बाद बेटा अपने बाप के वेल्थ को सेव करने के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं वही दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है सन ऑफ सत्यमूर्ति नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 6.8 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 15 रुद्रमा देवी ये 2015 का 3D बायोग्राफिकल एपिक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है गुना शिखर ने और इसमें अल्लू अर्जुन अनुष्का शेट्टी राणा दगपति लीड रोल पर है। इसमें 13th सेंचुरी का काकतीय डेंसिटी का रूलर रुद्रमा देवी की लाइफ और बैटल को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है रुद्रमा देवी नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 5.9 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 80 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 86 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज निकला। नंबर 16 सराय नोडू ये 2016 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है बाप दी श्रीनू ने और इसमें अल्लू अर्जुन कैथरीन ट्रेसा राकुल प्रीत सिंह लीड रोल पर है। इसमें एक एक्स आर्मी और पॉलिटिशियन के लड़का के बीच में इंटेंस बैटल को दिखाई गई है और इसका हिंदी डब्ड सराय नोडू नाम से है और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 6.4 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 50 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 127 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 17 दुवत्ता जगन्नाथम ये 2017 का विजिलेंटे एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हरीश शंकर ने और इसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेज लीड रोल पर है। इसमें एक ऑनेस्ट लड़का को एक पुलिस ऑफिसर ट्रेन करते हैं ताकि वो एक क्राइम फाइटर बन के इविल के अगेंस्ट पे एनकाउंटर कर सके और इसका हिंदी डब है डीजे नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 5.5 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 50 करोड़ और इसका कलेक्शन रहा 115 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। नंबर 18 नपेडु सूर्या नाइलु इंडिया ये 2018 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है वकंथम वामसी ने और इसमें अल्लू अर्जुन अनु अर्जुन शर्जा लीड रोल पर है। इसमें कैसे एक आर्मी ऑफिसर अपने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वही दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है सूर्या द सोल्जर नाम से और इसका आईएमडीबी रेटिंग रहा 6.8 आउट ऑफ 10 और इसका कलेक्शन रहा 95 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज निकला। नंबर 19 अल्लु वाइकुंथपुरमुलो ये 2020 का एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम ने और इसमें अल्लू अर्जुन और पूजा हेज लीड रोल पर है। इसमें अल्लू अर्जुन का कई सारी डिफरेंट रोल नजर आई है और इसमें अल्लू अर्जुन का स्वाग एक्शन और कॉमेडी टाइमिंग को लोगों को काफी पसंद आई है और अल्लु वाइकुंथपुरमुलू बॉक्स ऑफिस पर काफी जोर शोर कलेक्शन कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म 2020 का अल्लू अर्जुन का फर्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म होंगे। आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होंगे या नहीं कमेंट करके बताना और अगर आप ये फिल्म देखकर आए हो तो आपको कैसी लगी इस फिल्म का रिव्यू भी मुझको देना। नंबर 20 AA20 ये 2020 का अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रही है सुकुमार ने और इसमें अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना लीड रोल पर है
और साथ ही साथ इसमें मेन विलन के रोल में विजय सेतुपति को देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें रेड सैंडर्स स्मगलिंग को लेकर कहानी को दिखाया जाएगा और इसका मैक्सिमम शूटिंग नल्लामाला फॉरेस्ट में होंगे और इसमें अल्लू अर्जुन को काफी एक्शन एवेंजर में देखने को मिलेगा। और ये फिल्म रिलीज होगा 2020 में। और ये 2020 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकते है कॉमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा अल्लू अर्जुन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में और इन सभी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और साथ ही बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मॉरिशस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।